Hello subscribers and my dear students, today I am explaining about three diseases like polio, cholera and typhoid. Okay, so now polio is a viral disease. The causing organism is polio virus, and the symptoms, firstly we will understand how the polio is spreaded. I think all of you have listened this slogan, ek bachcha chhoota abhiyan hamara toota. To usme hota ye hai ki community mein agar ek bhi bachcha polio se grasit hai ya polio affected hai to uske fecal matter se polio virus jo hai community mein phailte hain. फिर वो फीकल मैटर जब ड्रेनेज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो नालियों के पानी से वो वायरस उस कम्युनिटी में फैलता है. क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें अपनी इम्यूनिटी वीक होती है तो वो वायरस 5 ईयर्स से छोटे बच्चों को इन्फेक्ट कर देता है. तो 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं हम जानते ही हैं कि वो कोई सी भी चीज जो नीचे गिर जाती है उसे उठा के खा लेते हैं. अब वो जो वायरस है वो मिट्टी के साथ, नाली के पानी के साथ, सड़कों पर या सब जगह उस कम्युनिटी में या उस गांव में या उस शहर में फैला हुआ है. वो पोलियो वायरस उस बच्चे की इंटेस्टाइन से, फीकल मैटर से होता हुआ सब जगह वहां पर आ गया. अगर कोई एक भी बच्चा पोलियो अफेक्टेड है तो उस कम्युनिटी के जितने भी बच्चे 5 साल से कम एज के होंगे वहां पर वो अफेक्टेड होने का पूरा उनका चांस होगा. क्योंकि उस समय बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर होती है या बहुत कम होती है और पोलियो वायरस अफेक्ट कर देता है. तो पोलियो वायरस जब भी एंटर होगा बॉडी के अंदर तो उसका मेन होगा ओरल रूट. ओरल रूट से वो वायरस सीधा अंदर आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ, ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ वो वायरस ब्रेन में पहुंचेगा, और ब्रेन में पहुंचने के बाद वो वायरस स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ सीधा हमारी जो है बैकबोन के अंदर आ जाएगा. बैकबोन से यानी बैकबोन में जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, हमारी रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, वहां तक आ जाएगा. अब वो वायरस सीधा वहां से हमारी जो नर्व्स होती है जिन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं उन पर इफेक्ट डालेगा. तो उन पर इफेक्ट डालने की वजह से हम देखते हैं कि हमारे हाथ या टांग जो होते हैं वो बैकबोन पे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, और उन स्पाइनल नर्व से स्केलेटन मसल्स जो होती हैं हमारे हाथ या पैरों की कमांड में आती हैं. तो वो वायरस वहां से होता हुआ हाथ में या टांग में पहुंचेगा. इसीलिए हम देखते हैं कि जो पोलियो अफेक्टेड बच्चे होते हैं उनकी टांग या हाथ की जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं और उन पर कमांड कम होना शुरू हो जाता है और ऑर्गन में डिफॉर्मिटी हो जाती है, यानी ऑर्गन की शेप और साइज जो है में कर्वेचर आना शुरू हो जाता है. हम देखते हैं एक हाथ कमजोर हो जाता है, एक हाथ नॉर्मल रहता है, या फिर एक टांग बहुत कमजोर हो जाती है क्योंकि टांगों में सारा वजन जो है बॉडी का होता है सहन करना पड़ता है. तो वहां पर जो स्केलेटल मसल्स हैं वो अफेक्टेड हो गई और अब वहां पर ऑर्गन डिफॉर्मिटी हो गई और अब वो बच्चा वायरल से इन्फेक्शन होने की वजह से पूरी जिंदगी एक हैंडीकैप की तरह, अपाहिज की तरह बिताएगा. तो हम ऐसा ना होने दें. अगर कोई भी हमारे घर में छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले लोग आते हैं तो उन्हें वो पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाएं. वो पोलियो ड्रॉप के अंदर वीकेंड पोलियो वायरल स्ट्रेन होते हैं जो उस बच्चे को देते हैं, तो वो बच्चे के अंदर आकर एंटीबॉडीज बनाकर इम्यूनिटी बनाता है और वो बच्चा जो है हमेशा के लिए पोलियो से इम्यून हो जाता है. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर महीने 5 साल तक के बच्चों को फ्री पोलियो ड्रॉप पिलाने का प्रयास किया है जो कि WHO के जरिए अरेंज है, और भारत सरकार के जो है हर बच्चे को हर महीने जो 5 साल से छोटे के बच्चे हैं उन सभी को पोलियो ड्रॉप पिलाती है. तो इससे बचने का एक ही तरीका है, पोलियो वैक्सीन. तो हर महीने बच्चे को पिलाना जरूरी है. अगर इसके बाद अगर वो उसे पोलियो नहीं पिलाया और उसे पोलियो हो गया और स्टार्टिंग स्टेज है तो कुछ फिजियोथेरेपी के जरिए या कुछ सर्जरी के जरिए उसको हम थोड़ा सा
देख सकते हैं कि वहां पर कुछ डिफॉर्मिटी ऑर्गन की कुछ सही हो सकती है तो की जाती है। तो ऐसी हालत ही ना होने दें, बच्चों को हर महीने पोलियो ड्रॉप पिलाएं। ओके, सो नाउ पोलियो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पोलियो वायरस। सिम्टम्स देखें, जैसे कि मैंने अभी बताया, चिल्ड्रन एज 6 मंथ टू 3 ईयर्स, उनमें फीवर होगा, उनमें वोमिटिंग आएगी, उनमें मस्कुलर पेन होगा, टिंगलिंग सेंसेशन इन लिम्स यानी हाथ पैरों में सनसनाहट होगी या जो है सुन्न होने जैसा एहसास होगा, टिंगलिंग सेंसेशन इन लिम्स एंड अल्टीमेटली पैरालिसिस, एट्रॉफी ऑफ स्केलेटन मसल्स एंड डिफॉर्मिटी ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन्स। स्केलेटल मसल्स कमजोर हो जाती हैं और ऑर्गन के अंदर कर्वेचर आ जाता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है। प्रिवेंशन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन है, बच्चे को कोई सी भी चीज जो है इन्फेक्टेड चीज ना मिले, या उसके घर में साफ सफाई रखें, या फिर कोई खाने की चीज जमीन पर गिर गई तो वो बच्चे उठा के खा लेते हैं, या फिर घर में बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, या छोटे बच्चे जो हैं इन्फेक्टेड होने का चांस ज्यादा रहता है। तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, और इसी से बचने के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन वंस इन ए वीक अप टू 5 ईयर्स चाइल्ड, वंस इन ए ओरल पोलियो वैक्सीन वंस इन ए मंथ, ये जो है हर महीने बच्चे को पिलाएं, वंस इन ए मंथ अप टू 5 ईयर्स, हर बच्चे को 5 साल की एज तक उसे जो है पोलियो वैक्सीन पिलाएं। ट्रीटमेंट, ओरल पोलियो वैक्सीन हैज वीकेंड वायरल स्ट्रेन, जैसा कि मैंने अभी बताया उसके अंदर कमजोर वायरस होते हैं, और टेकन बाय माउथ मेंटेन इम्यूनिटी, फिजियोथेरेपी एंड सर्जरी इज सजेस्टेड। ओके, नाउ सेकंड डिजीज इज कॉलरा। कॉलरा देखें, विब्रियो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया से होता है, ट्रांसमिटेड बाय फ्लाइज कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। जब हम ऐसा पानी, ऐसा वाटर या ऐसी खाने पीने की चीजें जिस पे मक्खियां बैठी होती हैं, अगर हम ऐसा खाते हैं तो हमें कॉलरा होने का पूरा चांस है, क्योंकि मक्खियों के जरिए विब्रियो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया हमारे फूड स्टफ को इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो इसके देखें सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें वाटरी स्टूल आता है, यानी स्टूल जो है बिल्कुल पतला हो जाता है, और वोमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होता है, और ग्रेट लॉस ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट इन द फ्रॉम द बॉडी एंड श्रंकेनाइज का मतलब उसकी आंखें जो है सुकड़ जाती हैं, आंखें खोलने में परेशानी होती है, एक्सेसिव स्वेटनिंग होती है, वाटर का बहुत ज्यादा लॉस हो चुका होता है, मिनरल एंड सॉल्ट का लॉस हो जाने के बाद उसे बहुत वीकनेस हो जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। तो देखें इसे कवर करने के लिए प्रिवेंशन, इसको अगर हमें दूर भगाना है कॉलरा को, तो इसके लिए हम ड्रिंक वाटर जो बॉइल्ड है वो वाटर पिए, अवॉइड अनकवर्ड फूड स्टफ, और कॉलरा वैक्सीन आती है, कॉलरा वैक्सीन अगर हम लगाएं तो उससे 6 मंथ की इम्यूनिटी मिल जाती है, तो हम इससे हम कॉलरा से बच सकते हैं। इसके बाद अगर कॉलरा हो जाता है तो कॉलरा हो जाने पर ORS का घोल लें, जिसमें नमक चीनी का पानी मिलाकर मरीज को दें, और इसके साथ साथ उसमें एंटीबायोटिक्स उसे देना जरूरी है। एंटीबायोटिक रिकमेंडेड है जैसे टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन एंड ड्रिपिंग जो है कराई जाती है। ड्रिपिंग का मतलब जो उसका वाटर लॉस हुआ है बॉडी का वो ड्रिपिंग से ही कवर हो सकता है, तो इसीलिए कॉलरा पेशेंट को ड्रिपिंग कराना जरूरी है। ड्रिपिंग यानी आप जानते हैं ना कि बॉटल चलती है नॉर्मल सेलाइन की, वो चलना जरूरी है, नहीं तो बॉडी रिकवर नहीं करेगी। हम इसे वाटर देते रहेंगे, उसे उल्टियां होती रहेंगी और उधर लूज मोशन होते रहेंगे, और अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है, हो ही जाती है। अब देखते हैं कॉलरा के बाद आता है टाइफाइड। टाइफाइड जो है सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होती है, जो अधिकतर ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर डेवलप होते हैं। तो जब कोई टाइफाइड वाला व्यक्ति अपना फीकल मैटर इजेक्टेड करता है तो वो फीकल मैटर के अंदर टाइफाइड के बैक्टीरिया होते हैं, और उस पर मक्खियां बैठती हैं, वो मक्खियां जो है उस फूड स्टफ वहां से उड़कर हमारे फूड स्टफ पर आती हैं, जिससे टाइफाइड के बैक्टीरिया जो हैं हमारे खाने पीने की चीजों पर आ जाते हैं, या फिर वो व्यक्ति जिसे टाइफाइड हुआ है उसके फीकल मैटर से टाइफाइड के बैक्टीरिया आसपास का जो वाटर होता है, पॉन्ड वाटर है या ड्रिंकिंग वाटर है, उसे कंटेमिनेटेड कर देता है, या उसके छूने से भी टाइफाइड हो जाता है, क्योंकि उसके पास टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं और वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करता है। तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स जो है एक बार
इन्फेक्टेड हो जाने के 10 से 12 दिन के अंदर टाइफाइड के सिम्टम्स आते हैं। इसमें हेडेक होता है, इसमें फीवर होता है, पहले हफ्ते में बुखार तेजी के साथ बढ़ता चला जाता है, दूसरे हफ्ते में बुखार थोड़ा कम होगा, तीसरे चौथे दिन में बुखार धीरे धीरे उतरना शुरू होता है। तो इसकी पहचान क्या होती है कि बुखार बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन पल्स रेट जो है वो नॉर्मल रहेगी। जनरली होता यह है कि जब बुखार होता है तो पल्स रेट बढ़ती है, बुखार में पल्स रेट बढ़ती है, थोड़ा बीपी भी हाई होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन पल्स रेट कॉमन होगी। तो ये है सिम्टम्स। इसमें स्लो पल्स, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द भी होता है, और वाटर ग्रीन स्टूल हो जाते हैं। ये है सिम्टम्स किसके, टाइफाइड के। अब प्रिवेंशन देखें, प्रॉपर सैनिटेशन से हम जो है टाइफाइड को हम भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसके लिए टैब वैक्सीन आती है। टैब वैक्सीन के अंदर जो है सल्मोनेला टाइफी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल्ड फॉर्म में होते हैं, और वो टैब वैक्सीन अगर किसी बच्चे को दे दी जाए तो उसको 3 साल तक उसकी इम्यूनिटी हो जाएगी, यानी उसे जो है 3 साल तक अब टाइफाइड नहीं होगा। छोटे बच्चों को टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो खाने की गिरी हुई चीजें उठा लेते हैं और खा लेते हैं। तो टाइफाइड के लिए हम क्लोरोमाइसिटिन जो है नाम की एक दवा है, एंटीबायोटिक, उसको देते हैं तो टाइफाइड क्योर हो जाता है। टाइफाइड का एक कारण मैं और बताना चाहूंगा कि हमारी किचन के अंदर जो कॉकरोचेस होते हैं वो भी रात को हमारे बर्तनों पर या इधर उधर खाने पीने के स्टफ पर जो है आते हैं, तो उनसे भी टाइफाइड फैलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। टाइफाइड के लिए एक छोटी सी स्टोरी है, वो है इंग्लैंड में। सबसे पहले टाइफाइड इंग्लैंड में मैरी मिलन नाम की एक लेडी थी जो इंग्लैंड के एक रेस्टोरेंट में वर्क करती थी। तो उसने, वो वेटर की तरह काम करती थी, और उस रेस्टोरेंट में जितने लोग भी वहां पर आते थे वो सब जो है टाइफाइड पॉजिटिव होते चले जाते थे। बिकॉज ऑफ टाइफाइड इज ए हाईली कम्युनिकेबल डिसीज। तो ये जो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है उससे छूने से, उसके छुए हुए बर्तनों से दूसरे रेस्टोरेंट के अंदर जो आने वाले लोग थे उससे वो टाइफाइड की बीमारी फैल जाती थी। तो इसीलिए उस लेडी का नाम टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाने लगा, और ये इंग्लैंड की एक इवेंट है। तो टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो छूने से फैलती है, कंटेमिनेटेड वाटर या खाने पीने के फूड स्टफ या मक्खियों से इन्फेक्टेड, कॉकरोच से इन्फेक्टेड फूड स्टफ से टाइफाइड फैलता है। तो अगर हम खाने पीने की चीजों को जो अवॉइड, अनकवर्ड फूड स्टफ है उनको अवॉइड करें तो हम देखेंगे हमें टाइफाइड नहीं होगा। अगर टाइफाइड हो जाता है तो हम जो है क्लोरोमाइसिटिन के जरिए उसे सही कर लेते हैं, और छोटे बच्चों को अगर टाइफाइड होता है तो हम जो है TAB टैब नाम की वैक्सीन दे देते हैं जिससे उस बच्चे को 3 साल तक इम्यूनिटी मिल जाती है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव लिसन एंड अंडरस्टैंड अबाउट दीज 3 diseases and you will prepare your note. Okay, I think all of you have seen these written material on the board. Okay, so I am just repeating once, so listen carefully. Polio virus, children age 6 months to 3 years, fever, vomiting, muscular pain, tingling sensation in limbs and ultimately paralysis, atrophy of skeleton muscles, deformity of affected limbs and prevention, personal hygiene, oral polio vaccine in a month up to 5 years child, treatment oral polio vaccine has weakened viral strain taken by mouth, maintain immunity, physiotherapy and surgery is suggested. Okay, cholera, vibrio cholerae transmitted by flies, contaminated water and food and watery stool. Symptoms kya hai? Watery stool, vomiting, dehydration, great loss of mineral salt from the body and shrunken eyes. यानी आंखें सुकड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, खोलने में परेशानी होती है। प्रिवेंशन, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, अवॉइड अनकवर्ड फूड स्टफ, कॉलरा वैक्सीन लगाएं, और ट्रीटमेंट है ORS दें और एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन और ड्रिपिंग से ये कवर हो जाता है। टाइफाइड देखें, सल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन टेक्स प्लेस बाय फूड, मिल्क, वाटर, स्प्रेड इट बाय हाउस फ्लाई विद द हेल्प ऑफ फीकल मैटर ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। नाउ Symptoms appear after 10 to 14 days after infection, headache, fever, first week and a fever increases and second week fever usually gradually
नीचे की तरफ आता है और स्लो पल्स रेट होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, वाटर ग्रीन स्टूल होते हैं और इसकी जो विडाल टेस्ट होता है, इसके लिए विडाल टेस्ट होता है, VIDAL, इसके लिए टेस्ट जो किया जाता है विडाल टेस्ट, अगर पॉजिटिव होता है, विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव होता है तो समझ लीजिए कि टाइफाइड हो गया। ओके, इसके लिए टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट, प्रिवेंशन, प्रॉपर सैनिटेशन, टैब फॉर 3 इयर्स एंड विच हैज किल्ड द, उसके अंदर जो टैब वैक्सीन होती है उसके अंदर किल्ड टाइफाइड के बैक्टीरिया होते हैं और ट्रीटमेंट टाइफाइड का हम देख रहे हैं क्लोरोमाइसिटिन से ये क्योर हो जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रिपेयर योर नोट्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट द डिसीजेस। ओके, थैंक यू सो मच।